मंडलीय रवि उत्पादकता गोष्ठी का आयोजन कृषि उत्पादन आयुक्त प्रभात कुमार की अध्यक्षता में गोरखपुर क्लब के सभागार में किया गया। कृषि प्रदर्शनी में कृषि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य, गन्ना, दुग्ध विकास विभागों के साथ ही जैविक खेती, इफ्को, कृभको एवं अन्य निजी संस्थाओं द्वारा कृषि निवेशों तथा यंत्रों आदि का आकर्षण स्टॉल लगाया गया। इस अवसर पर कृषि उत्पादन आयुक्त ने अपने संबोधन में उपस्थित किसानों को बताया कि सरकार भ्रष्टाचार एवं बिचौलियों को दूर करने पर संकल्पित है एवं इसके लिए भरपूर प्रयास भी किया जा रहा है, जिसका काफी प्रभाव भी दिखाई दे रहा है। उन्होंने फसल बीमा योजना अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड फसल ऋण के किसानों की अनिवार्य फसल बीमा पर संबंधित फसल बीमा कंपनियों से बीमा पॉलिसी का सर्टिफिकेट भी दिलवाए जाने हेतु कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश से आवश्यक व्यवस्था करने हेतु निर्देशित किया, ताकि बीमित कृषक को क्लेम करते समय कोई तकनीकी कठिनाई ना हो। गोष्ठी में मौजूद कृषकों ने अपने जनपद की समस्याओं का उल्लेख किया। तत्पश्चात गोरखपुर, आजमगढ़ एवं बस्ती मंडलों के संयुक्त कृषि निदेशक ने अपने अपने मंडल में रबी अभियान की तैयारी के बारे में विस्तार से बताया। गोष्ठी में अमित मोहन प्रसाद प्रमुख सचिव कृषि, एस एम बोवड़े प्रमुख सचिव पशुधन, सरोज सिंह कृषि निदेशक, आर के सिंह निदेशक उद्यान, रामशद जायसवाल अपर कृषि निदेशक ने प्रतिभाग किया। गोरखपुर न्यूज से बात करते प्रदर्शनी लगाई हुई लोगों ने बताया, आपने अपने ड्रम फीडर के बारे में बहुत जानकारी दिया, लेकिन जब आप इसे कोई कार्यक्रम करते हैं हम सिर्फ चने के बारे में, चने की खेती हम कर रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 1.5 एकड़ के उत्पादन लिए 18 क्विंटल और 3 एकड़ की, और उसको अभी तक हम रोक करके रखे हुए हैं, उसको गिरा रहे हैं क्योंकि नुकसान हो रहा है सर। अब जैसे मान लीजिए हम 8500 रुपया क्विंटल बिछड़ी, हम उस 30 क्विंटल चने क्या करें, इस रेट से हम बेचें। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी, आप देवरिया जनपद से श्री कृष्ण मोहन पाठक जी। कृषि उत्पादन कार्य महोदय, प्रदेश स्तर के समस्त अधिकारी मंडली किसानों को दिया जाए, और एक बहुत छोटी सी बात बता रहा आप लोगों के लिए, मैं बहुत संक्षेप में कहूँगा कि जैसे 1-2 हजार की मशीन किसान लेने जाता है पीठ पे दवा छींटने वाली, उसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भरेगा तो 1 महीना में उसका नंबर आएगा कि 2 महीने में आएगा कि 2 दिन में आएगा, ये कोई निश्चितता नहीं है। इस गोदाम से या कृषि रक्षा इकाई से वहाँ से उसको तुरंत दे दिया जाए मंगा करके सब्सिडी पर, तब उसके लिए प्रक्रिया इतनी लंबी ना की जाए कि वो 3 महीने तक सब्सिडी के लिए लगे। भगवा पार है, 2 फीसद की नहर है, 2.8 किलोमीटर लंबी है, उसमें पानी अभी भी है। इस वर्ष 3 बार टेल पर पानी गया है, प्रदर्शनी का मेन उद्देश्य है कि किसान भाई को रबी प्रदर्शनी है, इसके जागरूकता के लिए कि किसान का कैसे उपज दुगना हो सके, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हमारे देश के किसान जब खुशहाल होंगे तो देश आगे बढ़ेगा। अभी हम आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, हमारे जस्ट पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी का गोद लिया गांव है, मैं रंजन कुमार सिंह, मैं इस गांव का कृषि क्षेत्र में किसानों के लिए मैं काम करता रहता हूं। इसमें हम जैविक खाद बनवा रहे हैं, एक माध्यम कंपोस्टर इसके द्वारा, और एक्सल मेरा 71 एक खरपतवार नियंत्रण है, उस खरपतवार से जो है मोथा हुआ, दूब हुआ, कुश हुआ, कास हुआ, जितने भी हैं सब ख़त्म हो जाते हैं। तो ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि जब क्लीन कल्टीवेशन, स्वच्छता रहेगा, घास खरपतवार नहीं रहेगी, तो जो भी फसल लगेगा वो फसल पूरी तरह जो है उसमें खरपतवार न रहने से उसकी पैदावार अच्छी होगी। और जैविक खाद का एक बहुत बड़ा तरीका ये है कि अगर माध्यम कंपोस्टर से 1 किलो जो है गोबर को 1 टन में ले करके 40 से 45 दिन के अंदर एकदम से भुरभुरा गोबर का जैविक खाद बनाया जा सकता है। उसको बनाने के बाद जब खेत में डालें, जब कच्चा होता है, कच्चा से
क्या होता है कि खरपतवार के बीज उसके अंदर होते हैं, वो सुरक्षित होते हैं, वो सही हो जाएगा। और उसके बाद जो है सबसे बड़ा ये कॉन्सेप्ट यह है कि अगर कच्चा होता, दीमक होता, खरपतवार के बीज होते हैं, दोनों चीज़ नहीं होगा। इसीलिए माध्यम से कंपोस्टर से जो हम बना रहे, जैसे माननीय सांसद आदर्श गांव जयापुर का है, अगर इसको हम लोग करा रहे हैं तो वहाँ के किसान विशेषकर महिलाएं इसमें बहुत ज़्यादा जागरूक हो रही हैं। ये कृषि उत्पादन रवि गोष्ठी है, कृषि उत्पादकता गोष्ठी, इसमें मछली के आय को दूना करने के लिए ये गोष्ठी हो रही है। और जो मत्स्य विभाग की नीली क्रांति योजना चल रही है, जिसमें मछली अगर जो उस तरह से वैज्ञानिक ढंग से मछली उत्पादन लोग कर रहे हैं तो उसे आय दूनी क्या चौगुनी हो सकती है। इस समय जो प्रेजेंट टाइम में एक हमारे स्कीम चल रही है रिसर्कुलेटरी एक्वा कल्चर सिस्टम, तो जो एक तालाब से हम जो है 30 से 40 कुंटल उत्पादन कर रहे थे, उसमें सीमेंटेड टैंक बना करके 8 टन प्रति हेक्टेयर प्रति रिसर्कुलेटरी टैंक से उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है, ये उद्देश्य है। उसके अलावा जो रोहू भाकुरनैन जो कल्चरेबल फिश है, उसको भी वैज्ञानिक ढंग से अगर वो करते हैं, कल्चर करते हैं, जैसे फिंगरलिंग साइज की मछली डाल करके उसका उत्पादन करते हैं, एक साल में 50 से 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। तो इससे जो है उत्पादन दूनी हो सकती है, और उसमें मिनिमम मात्र जो है 1.5 लाख रुपया प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इनपुट डाल करके उससे जो है हम दूना चरगुना उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है।